के विवादित बयान से लेकर वाल्मीकि समाज ने छेड़ा आंदोलन फूंका पुतला। लखनऊ मुनव्वर राणा विवादित बयान। आज अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के सदस्य राम सिंह वाल्मीकि ने महर्षि वाल्मीकि मंदिर परिसर में पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि शायर मुनव्वर राणा हमेशा देश विरोधी बयान दे रहे हैं और आज भगवान महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबानी आतंकी से करके हम वाल्मीकि समाज को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे, जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके पहले शनिवार को हजरतगंज कोतवाली में शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। जब तक मुनव्वर राणा के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वाल्मीकि समाज का आंदोलन जारी रहेगा। और उसी महीने हजरतगंज थाने जाकर ST आयोग के लेटर पैक पे मैंने हजरतगंज इंस्पेक्टर साहब को लिखित में FIR दर्ज कराई है। और हमारी मांग है कि जिस तरीके की शब्दों को मुनव्वर राणा जी ने वाल्मीकि भगवान के बारे में भगवान वाल्मीकि को तालिबानियों से जोड़ते हुए उन्होंने कहा है, ये वाल्मीकि समाज ही नहीं, रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि ही नहीं, बल्कि समस्त हिंदू समाज का पूरे देश में अपमान करने का काम किया है। ऐसे मुनव्वर राणा के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार से हमारी आग्रह है और मांग है माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि मुनव्वर राणा के खिलाफ रासुका लगाते हुए देशद्रोह का मुकदमा कायम हो और उनको तत्काल SC ST के तहत जेल भेजा जाए, ताकि ये पूरे देश में जो वाल्मीकि समाज का जगह जगह FIR और जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, ये हिंदू समाज को एक न्याय मिल सके। और ऐसे पापी और देशद्रोही लोग जो आए दिन भारत माता के तिरंगे का अपमान करने का काम करते हैं, खाते हमारे भारत का हैं और गाना तालिबान और पाकिस्तान का गाते हैं, तो ऐसे लोगों को क्यों ना पाकिस्तान और तालिबान ही चले जाना चाहिए हमारा देश छोड़ करके, ताकि भारत में जब ऐसे गंदे लोग रहेंगे तो भारत का भला नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों को भारत से तत्काल प्रधानमंत्री जी चिन्हित करें और ये लोग जिन जिन देशों में जाना चाहते हैं वहाँ इनको भेज दिया जाए, ताकि भारत में हिंदू समाज का भगवान राम का जो सपना है कि राम राज्य की स्थापना हिंदू समाज में और हिंदुस्तान में हो, वो हमारा संकल्प पूरा हो सके।